हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट की डिमांड थी कि ये टॉपिक बनाया जाए। और इट इज़ अ न्यू टॉपिक फॉर दिस ईयर, ठीक है। लास्ट टाइम कभी ये टॉपिक नहीं पूछा गया था, और शायद मुझे लगता है कि इस अब आगे जो एग्ज़ाम होने वाले इनमें ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, बट आपको कराना ज़रूरी है और आपको करना भी ज़रूरी है, बिकॉज़ द लास्ट जो प्रीवियस टॉपिक हैं वो ऑलमोस्ट मैंने अपनी बुक के अंदर ऐड किए हुए हैं। जो नए टॉपिक है वो मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पूरी बुक यदि आप सभी टॉपिक्स की परचेज़ करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को उसके बारे में पता होगा। 69 रुपीज़ की बुक है, जिसमें GD प्लस SRT फेज़ 2 के लिए कम्प्लीट वो बुक है, जिसमें DFT आपका नहीं है। बाकी GD और SRT के लिए 84 पेज की बुक है, उसमें 32 टॉपिक हैं और 10 प्रैक्टिस के लिए हैं। इसी तरह से उसमें SRT के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाकर आप उसे परचेस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा गाइज मैं आपको बता देता हूं कि GD टॉपिक मिलिट्री ट्रेनिंग, थोड़ा सा मैं इसके PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी गाइज, ठीक है। कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी देखने को। बिकॉज़ थोड़ा सा मुझे टाइम कम है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इतना डीप में इसे नहीं समझा पाऊँगा, बट सभी चीज़ें आपकी क्लियर कर दूँगा। 7 नवंबर को सभी सेंटर्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, मिलिट्री ट्रेनिंग। देखिए, यदि हम बेसिक तौर पे बात करें तो मिलिट्री ट्रेनिंग, जिसे आपके स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, इनके अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ये टॉपिक था। अब मुझे नहीं पता कि वो स्कूल में दिया जाना चाहिए ये टॉपिक था, या कॉलेज में दिया जाना चाहिए ये टॉपिक था, या फिर सिटीजन्स को, या फिर अलग से दिया जाना चाहिए ये था। कुछ भी उसके अंदर हो सकता है, डजेंट मैटर। आपको जो टॉपिक दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना है। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, बिल्कुल यहाँ पर देखिए जो पहला पैराग्राफ होगा वो मिलिट्री ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं होगा हालांकि, लेकिन वो आपको बेसिक से पढ़ना है, जिसे आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। आप कई सारे टॉपिक्स के अंदर ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई है। ये लाइन देखिए, पहली लाइन है, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, वी आर डिवर्स इन आवर कस्टम्स ट्रेडिशंस कल्चर एंड जियोग्राफी। हम जाने जाते हैं अपने ट्रेडिशंस के लिए, अपनी कल्चर्स के लिए, अपने कस्टम्स के लिए, जियोग्राफी के लिए, इन सभी के लिए। वी हैव आवर ऑन सेट ऑफ डे टू डे प्रॉब्लम्स विच नीड टू बी रिजॉल्व्ड रेगुलरली, ठीक है। मतलब हमारे खुद की सभी चीज़ें हैं ये। वी फेस हॉस्टाइल नेबर्स, होस्टाइल का मतलब होता है शत्रु, नेबर्स, नेचुरल कैलेमिटीज, पॉलिटिकल डिवाइड एंड मैनी मोर इश्यूज ऑन रेगुलर बेसिस। यानी कि हम क्या करते हैं, हम फेस करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को, तो उसी से रिलेटेड है, आप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे क्या बोला है, द गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट टू रिजॉल्व ऑल दीज इश्यूड। हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, इट्स बेस्ट कर रही है इश्यूड, मतलब इन जो भी इश्यू हैं, मैटर्स हैं, इनको सॉल्व करने की। बट इट नीड्स पब्लिक सपोर्ट एंड योर पीस, यानी कि ये शांति है, इसको करने के लिए किसकी नीड है हमें, पब्लिक की, पूरा सपोर्ट चाहिए किसका गाइस, पब्लिक का। आगे अगले सेंटेंस में क्या बोला है, इट हैज़ देयर फोर बिकम नेसेसरी, ये क्या हो गया है, बहुत ही ज़रूरत बन गया है, टू टर्न टू यूथ एंड इनकुलेट हाई मोरल वैल्यूज एंड इंस्टिल सेंस ऑफ डिसिप्लिन। यानी कि देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें, यदि हम युवाओं के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे तो सबसे बड़ी चीज़ उनके अंदर क्या उत्पन्न होगा, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो आप डिफेंस ज्वाइन करें या ना करें, अपने देश को यदि आपको सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले डिसिप्लिन की हमें नीड होगी, ठीक है। युवाओं के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, दे वुड इन एक्चुअली प्रॉपल द कंट्री ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, मतलब दरिद्रता। आगे देखिए, आगे क्या बोला है इन्होंने, टुडे द ओनली इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रस्ट कॉन्फिडेंस एंड इंटेग्रिटी इन इंडिया इज इट्स डिफेंस फोर्सेज। किसके अंदर है वो, डिफेंस फोर्सेज के अंदर। द यंग पीपल कैन बी सेंट फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ दियर एकेडमिक प्रोग्राम, यानी कि किसको भेजा जाता है, यंग लोगों को। दे वुड एमर्ज एज कॉन्फिडेंट, क्या क्या होते हैं वो, कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन एंड ऑनेस्ट सिटीजन्स, ठीक है, ये सभी फायदे हैं। दीज एट्रीब्यूट्स
दीज एट्रीब्यूट्स वुड स्टैंड दैम इन गुड स्टीड वट एवर प्रोफेशन दे गो इन लेटर इन देयर लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ के बारे में बताया। द मिलिट्री ट्रेनिंग ऑफ यूथ वुड एक्यूर अनदर बेनिफिट ऑल्सो, यानी कि दूसरी तरफ हम बात करें तो इसका एक और बेनिफिट है, वो बेनिफिट क्या है? अ लार्ज कॉम्बैट रेडी रिजर्व विल बी अवेलेबल ऑल द टाइम ऑफ इमीडिएट डिप्लॉयमेंट केस ऑफ एन इमरजेंसी एंड रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल थ्रीट नेचुरल कैलेमिटीज। देखिए यहाँ पर कोई भी हमें एक्सटर्नल थ्रीट या कोई, जैसे एक्सटर्नल थ्रीट का मतलब होता है कोई भी देश अचानक से धमकी दे देता है, जैसे पाकिस्तान की हम बात करें तो कई बार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की धमकियां आती हैं, ये है हम परमाणु बम छोड़ देंगे, युद्ध के लिए हम तैयार है, ये वो फालतू की चीज़ें बहुत देखने को मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये है दिया जाना चाहिए, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे भी हम ऐड करेंगे जहाँ नहीं दिया जाना चाहिए। आपको किसकी तरफ बोलना है, जो आपका पैराग्राफ है उसको देखना है, और जो भी चीज़ें हैं मतलब कि सभी को दिया जाना एक तरह से मेरे हिसाब से उचित नहीं है, तो इट इज़ ऑल्सो नेगेटिव पॉइंट राइट। आगे बात करें तो डिज़ास्टर्स लाइक फ्लड, यानी कि देखिए डिज़ास्टर कोई भी हानि हो जाती है, लाइक फ्लड बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, एंड ड्राफ्ट ड्राफ्ट की जो समस्या है वो आ जाती है, तो इसके लिए आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन सभी को नहीं दे सकते ना हम, तो यहाँ पर ये नेगेटिविटी आ जाती है। टुडेज़ मिलिट्री ट्रेनिंग इज़ एक्सटेंसिव, सॉरी देखिए टुडेज़ मिलिट्री ट्रेनिंग इज एक्सेसिवली बींग यूज वर्ल्ड वाइड टू डेवलप किलर्स इंस्टिंक्ट ट्रेनिंग विद अमंगस्ट स्पोर्ट्समैन, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली इसका क्या होने लगा है, यूज़ वर्ल्ड वाइड के अंदर डेवलप करने के लिए किसको, जो इंस्टिंक्ट है स्पोर्ट्समैन है, ठीक है। द इंडियन क्रिकेट टीम वॉज पुट थ्रू मिलिट्री, देखिए थोड़ा सा यहाँ से ये पॉइंट है ये अलग हो जाता है, आप इसे रीड कीजिएगा, यदि आपको इसको लगता है बोलना है तो आप इसे बोल सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई ज़्यादा नीड नहीं है। एवरीबडी इज़ एन इंडिविजुअल विद डिफरेंट एटीट्यूड्स, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है अपने डिफरेंट एटीट्यूड्स रहता है, एप्टीट्यूड एंड लिंकिंग्स, ठीक है। वन कैन नॉट बी फोर्स टू अंडर ईगो मिलिट्री ट्रेनिंग इवन फॉर 2 ईयर्स व्हेन ही इज एट मोस्ट प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव स्टेज ऑन हिज लाइफ, मतलब देखिए एक तरह से यदि बोले तो सरकार है अपने जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि हम किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ने पर हमारी सेना के अंदर शामिल कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर वो चीज़ें बताई गई हैं कि उनको पहले से ही तैयार किया जाए, बट इतना नेगेटिव सोचना भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। एक तरह से ये नेगेटिविटी का वो है। मिलिट्री लाइफ इज़ हाईली रेजिमेंटल एंड रेजियस, ये तो बात बहुत अच्छी है, ठीक है। एवरीबडी कैन नॉट रिड्यूस इट सॉरी एनजीओ इट विल बी सियर वेस्ट ऑफ मनी ट्राई इम्पैक्टिंग मिलिट्री ट्रेनिंग टू यंग पीपल हु डू नॉट हैव एप्टीट्यूड फॉर इट दे वुड टर्न आउट ऑफ हाफ बैकड सोल्जर्स। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है बहुत अच्छा ऐड किया गया है कि इससे क्या होगा कि सभी लोगों को हमें नहीं दिया जाना चाहिए, सभी लोगों को देंगे जो लोग इंटरेस्ट इस चीज़ में नहीं होंगे, तो उनके ऊपर यदि हम पैसा खर्च करते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग के तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो वो पैसा व्यर्थ जाएगा, तो मतलब कि इसे हम नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ वाई द डिफेंस फोर्सेस हैव एलाबरेट सिस्टम ऑफ सेलेक्शन प्रोसीजर इन्वॉल्विंग मेंटल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, ये सभी चीज़ें मतलब कि हम उनको डिफेंस फोर्सेज हैं उनको एलोबरेट करेंगे, उनका सिस्टम है प्रोसीजर है उसमें क्या होगा, वृद्धि होगी मेंटली फिजिकली साइकोलॉजी, ठीक है। टेस्टिंग इट इज़ अ प्रोफेशनल साइंटिफिक अप्रोच वेयर इज़ द बेस्ट इज सेलेक्टेड, आगे क्या बोला है देखिए ये लाइन थोड़ी सी ऐड की है। इन मोस्ट ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया वी हैव एनसीसी, द बेस्ट दैट कैन बी डन इज टू इनकरेज द यंग पीपल टू ज्वाइन एनसीसी लार्ज नंबर ऑफ देयर ओन। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है बहुत अच्छा ऐड किया है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में हमने एनसीसी को दिया हुआ है, तो वो एनसीसी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड है वही ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं हो जाता, ठीक है। एनसीसी ट्रेनिंग वुड गिव देम नेसेसरी बूस्ट टू कैरेक्टर्स बिल्डिंग, तो ये यहाँ पर पॉइंट हो जाती है। आगे उसके बाद आता है आपका कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन के अंदर बोला हुआ है कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग मे नॉट बी एक्सेप्टेड इन अ कंट्री लाइक इंडिया, मतलब कि अपने इंडिया के अंदर जो मिलिट्री ट्रेनिंग है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। रीज़न क्या दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेटिक स्पिरिट इन इंडियंस, यहाँ पर क्या है एक दूसरों के अंदर डेमोक्रेटिक भावना है। इंस्टेड द रिजर्व फोर्सेज कैन बी फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेंथिंग एनसीसी विच इज़ ओपन स्कूल कॉलेज ऑन अ वॉलेंट्री बेसिस, यानी कि हमने इसी आधार पर जो आपकी
एक तरह से वो चीज़ें जो सभी दी हुई हैं। सो गाइज, इस तरह के हमारा जो टॉपिक है वो रहा है। आशा करता हूँ कि आज की जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलिट्री ट्रेनिंग से थोड़ा बेसिक बताया मैंने, अच्छे से क्लियर नहीं किया बिकॉज यार थोड़ा टाइम नहीं है, बिजी चल रहे हैं, थोड़ा शादी वगैरह प्रोग्राम, तो 20 तारीख के बाद थोड़ा फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आपको 2-3 टॉपिक एक दिन के अंदर एक टॉपिक करा देंगे, 6-7 टॉपिक और कराने की उम्मीद रहेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यू है तो, और बुक परचेज नहीं किया तो गाइज़ बुक को परचेज कर सकते हैं, बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। बाकी आपकी मर्ज़ी, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट इससे मिला है। मिलता हूँ गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।